हेलो दोस्तों, मैकिडा कंपनी का एंगल ग्राइंडर मशीन। ये मशीन का आर्मेचर जल गया है। आपको टेस्टिंग से पता नहीं चलेगा ये मशीन का आर्मेचर जल गया है, तो सीरीज लैम्प में टेस्ट करके इसको पता नहीं कर पाओगे इसका आर्मेचर ख़राब हुआ है नहीं हुआ। आपको फिटिंग करके चलाना है तभी आपको पता चलेगा। ये जो शॉर्ट होता है ना, ये आपको मशीन को चलाने से पता चलेगा, आपको सीरीज में टेस्ट करने से नहीं। आप मीटर से भी इसको टेस्ट कर लीजिए, इसमें कुछ भी दिक्कत आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको झूठ मूठ के बातें दिखाए जाते हैं, तो आपको जो सही तरीका होता है हम दिखाएंगे, सहज तरीका आपको हम पहले चला के दिखाते हैं। आप देखिए, उसके बाद आप खुद सोच लेना आपको जो दिखाता है वो सच कितना है कितना झूठ है। मशीन हम चलाते हैं तो मशीन बढ़िया से चल नहीं रहा है, तो मशीन बहुत ही ज़्यादा साउंड दे रहा है, बढ़िया से मूव नहीं कर रहा है, वो वाइब्रेट भी हो रहा है। तो हम ऐसे दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। पहले मशीन को हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको चला के दिखाएंगे, उसमें स्पार्क भी आप देख लेना। देखो, आपको कुछ भी झूठ की काम नहीं सिखाएंगे, जो रियल में होता है जो सच होता है, आपको बढ़िया से काम कर पाओ, आपको कुछ भी दिक्कत ना आए। हम मेरा जो उद्देश्य है आपको बढ़िया से बढ़िया काम सिखाने के, बढ़िया से काम सीखो, बढ़िया से काम करो, मेरा एक ही उद्देश्य होता है। धुआं निकल रहा है, देखिए जल गया पूरी तरह से। मशीन से बहुत ज़्यादा हीट होने से धुएं भी निकल रहा है, तो आर्मेचर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इसमें क्या खराब हुआ है पता नहीं है, आर्मेचर भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी सामान खराब हो सकता है। तो हमें उसको कैसे टेस्ट करना है, सीरीज में तो टेस्ट नहीं होगा, तो हम आपको वही दिखाएंगे कैसे सीरीज में टेस्ट नहीं होता। आपको जो झूठ मूठ के बातें दिखाता है ना, सीरीज में टेस्ट क्या होता है, उसमें शॉर्ट रहता है तो वो टेस्ट होता है, और एक चीज़ होता है उसमें स्पार्क रहता है तो उसमें स्पार्किंग में शॉर्ट होता है। इस मशीन में क्या हुआ है हमें भी पता नहीं चल रहा है, तो हमें पहले आर्मेचर को खोलना है। खोलने के बाद आपको देखो, इसमें जो ख़राब है उसका कैसे हम ठीक करते हैं, जो रियल में होता है हम आपको बताएंगे। आपको दोनों आर्मेचर फील्ड दोनों लेके आना है, आपको एक एक करके चेक करना है। पहले उसको आर्मेचर डाल के देखना है मशीन बढ़िया से चल रहा है नहीं चल रहा है। आर्मेचर लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा आर्मेचर बढ़िया से चलेगा तो नया डालने से, तो मशीन में आर्मेचर ख़राब था इसी वजह से ऐसे दिक्कत हो रहा था। आर्मेचर डालने में भी आपको पहले जैसे मशीन चल रहा था ऐसे होगा तो आर्मेचर बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ, फील्ड में शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट क्या होता है, उसमें जब मैग्नेट है ना उसमें कम ज़्यादा होता है, मैग्नेट कम होता है, नहीं तो जो मैग्नेट होता है ना कॉइल कभी कभार बहुत हीट होने से शॉर्ट हो जाता है, लेयर के लेयर टच हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और उसमें आपको मैग्नेट बड़े से पकड़ नहीं पाता, इसी वजह से ये दिक्कत होता है। देखिए, आपको आर्मेचर देख के आपको लगेगा नहीं आर्मेचर कहाँ से भी ख़राब हुआ है। देखिए, इसमें आपको कुछ भी स्पार्क नहीं दिखाई देगा, आपको देख के लग रहा है आर्मेचर में कुछ भी सामान खराब हुआ है, कहाँ से भी उसका स्पार्क हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, कुछ भी आपको देख के नहीं लगेगा। तो ये जो शॉर्ट होता है ना, ये अलग तरह का शॉर्ट होता है, आपको देख के नहीं पता चलेगा, टेस्ट भी कर लो उसमें पता नहीं चलेगा। तो आपको आर्मेचर फिटिंग करना है। ये जो मशीन होता है ना कंपनी के पास रहता है, ये मशीन का दाम करीब 1 से 1.5 लाख रुपया होता है, और आपको कंपनी बेचेंगे नहीं, आप पैसा से खरीद कर नहीं सकते हो। मैं ऑर्डर दिया था, मैंने कंपनी से बात किए थे और बोला भी था मेरे को ये मशीन ख़रीदना है और टेस्ट करना है, तो वो बोला एक कंपनी के पास रहता है, उसको जब भी मशीन गारंटी से पहले जल जाता है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको क्या उसमें ख़राबी हुआ है वो उसको उसमें चेकिंग होता है, वो कंप्यूटर से चेकिंग होता है, उसमें बहुत सारे सिस्टम रहता है, ऐसे नहीं होता, बहुत महंगा होता है, कंपनी के पास होता है, ठीक है, मार्केट में आपको खरीदने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने उसमें तैयार करते हैं, उसमें मशीन में आर्मेचर में जो भी छोटे बड़े गलती होता है उसको सुधार करने के लिए कंपनी ने तैयार करते हैं, ऐसे नहीं आप सीरीज में उसको टेस्ट करके बता सकते हो उसमें क्या हुआ है। उसमें उसके पास बहुत बड़ा मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, उसी में उसको सामान को देखेंगे कहाँ से वो शॉर्ट हुआ है, क्यों ऐसे दिक्कत हो रहा है, हर बारीकी से उसको टेस्ट करने के बाद उसमें पता चलेगा उसमें क्या हुआ है। ऐसे नहीं है आप सीरीज में टेस्ट कर लीजिए उसमें पता चल जाएगा, नहीं तो आपका उतना मशीन खरीदने के कुछ भी जरूरत नहीं है। आपके पास दोनों आर्मेचर 300 में 350 में आपको सामान खरीदने को मिल जाएंगे, आपको थोड़ा तो उसमें डाल के देखना है उसमें कौन सा सामान खराब हुआ है, उसके बाद आपको तुरंत हो जाएगा, आपका टेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपके पास सामान होना चाहिए, यही आपको एक चीज़ सामान लेके रखना है। तो हम उसमें मार्किंग करने के बाद फील्ड को ओपन कर लेंगे, आपको हम आपको जो सच्चाई है वो पूरा पूरा सच्चाई दिखाएंगे, आपको झूठ बोल के कुछ भी काम नहीं सिखाएंगे। बहुत लोग आपको झूठ सिखा रहे हैं, जैसे आपको और एक चीज़ हम बता देते हैं,
आर्मेचर वो उतने रिपेयर करता है। कैसे रिपेयर करता है? आर्मेचर जहाँ पे बैरिंग फिटिंग होता है ना, वो प्ले हो गया है, सही है, उसमें प्ले हो गया, आपको उसको वेल्डिंग करके, पितल वेल्डिंग हो, लोहे वेल्डिंग हो, कुछ भी करके आपको वेल्डिंग करके उसको लेद में सब बिल्कुल सही कर लिया, ठीक है। आप सभी से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, एक चीज़ पूछेंगे, सभी से पूछेंगे, आप जब भी वेल्डिंग करते हो उसमें हीट तो होता है, ठीक है, हीट होने से लोहे में क्या होता है, लोहे का टेम्पर कम हो जाता है, ठीक है, लोहे का टेम्पर कम हो जाता है, लोहे का टेम्पर कम होने के बाद आपको क्या करना है, लोहे में टेम्पर चढ़ाना पड़ता है, तो आपने आर्मेचर में वेल्डिंग करके टेम्पर तो उसमें कम कर दिया, उसके बाद आप उसको ग्राइंडिंग माइंडिंग करके लेद में उसको फेस कर दिया। आप सोचो जो गियर है उसमें वो पहले जैसा उसमें टेम्पर था, अभी और टेम्पर रहेगा, उसको कितना दिन चलेगा? थोड़ा दिन चलने के बाद उसका आर्मेचर मोड़ भी सकता है, उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, मोड़ने से उसमें बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त ऐसे काम मत करो, उसमें ख़राब हो गया उसको फेंको, फेंक दो, नया डाल दो, आपको भी दुकान बड़े से चलेगा, आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो आपने गलती की है, आपको वो करने में वेल्डिंग करना कटिंग करना उसमें 300 रुपया चला जाएगा, तो आपको नया आर्मेचर कितने में, आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे। तो हम आपको कुछ भी झूठ मूठ के काम नहीं सिखाएंगे, जो रियल होता है, जो सच्चाई होता है वही दिखाएंगे। और आप एक चीज़, आपको फेविक्विक से मैं काम सिखाया, फेविक्विक देके बैरिंग प्लेस फिटिंग करना, मेरे दोस्त आपको पहले उसको सीखना है, नहीं तो क्या होगा, आप तो फिटिंग कर देंगे बढ़िया से बढ़िया, फिटिंग करने के बाद क्या होगा पता है, बैरिंग आप खोल नहीं पाओगे, लॉक हो जाएगा, आपके पास इतना सामान भी नहीं रहता। आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको पहले सीखना है, मैंने तो पहले आप डेंड्राइट से फिटिंग करना सीख लो, उसके बाद फेविक्विक से सीखना, पहले ही फेविक्विक मत देना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं भी फेविक्विक हर जगह पे यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे से भी गलती हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, उसका आर्मेचर कभी कभार ख़राब भी हो जाता है, पंखा नीचे चला जाएगा खोलने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको काम जो हम सिखाते हैं ना, आपको सही काम सीखो, सही काम करो, नहीं आपसे देखो हम आपको क्यों बता रहे हैं, ऐसे जो सच्चाई है उसको सीख के करो, आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं तो झूठ मूठ के काम सीख के करोगे, जिसका भी करके दोगे उसका भी ख़राब हो जाएगा, उसको भी तकलीफ होगा, आपको भी तकलीफ बढ़ जाएगा, तो आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो आपको अपना काम सही करना चाहिए, और सही से करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। मेरे बोलने का जो तरीका है, आप अच्छे काम सीख के अच्छा काम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे जो उद्देश्य है, सभी को अच्छा काम सीख के अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा करने से सभी का अच्छा होगा, जिसका मशीन है वो भी बच जाएगा, आपका भी कम टाइम में आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। देखिए मैं सीरीज में आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, टेस्ट करके आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसमें मैंने आर्मेचर फील्ड, इसमें फील्ड का मैग्नेट भी टेस्ट कर लिया, फील्ड का मैग्नेट बढ़िया है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, आगे पीछे दोनों में बढ़िया है। तो आर्मेचर भी हम टेस्ट कर लिया, आर्मेचर की मैग्नेट टेस्ट होते हैं, एक एक के साथ लगा के हम जैसे करके क्या होता है, बड़े मशीन में जनरेटर में जैसे आर्मेचर को टेस्ट करते हैं कॉइल टू कॉइल, ऐसे टेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, आसको कुछ भी फायदा आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें जो शॉर्ट है बढ़िया से घूमेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पार्क करेगा, वाइब्रेट करेगा, आपको देख के कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे देखो इसका मैं आर्मेचर फील्ड आपको लेके आएंगे, मेरे पास नहीं है, मैकिटा कंपनी कम बेचे जाते हैं, उसका सामान मेरे पास नहीं है, मैं ऑर्डर देके लेके आएंगे, तो आपको दिखाने के लिए इसमें आर्मेचर फील्ड कौन सा सामान ख़राब है, तो हमको दो ही लेके आना है आर्मेचर फील्ड, तो दोनों का अलग अलग से डाल के देखना है कौन सा सामान इसमें ख़राब हुआ है, तभी मेरे को पता चलेगा इसमें कौन सा सामान ख़राब हुआ है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो आर्मेचर भी हम टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट जैसे होता है, आपको और एक चीज़ देखें, मैं दो आर्मेचर दो फील्ड को आपको नया डाल के दिखाएंगे, नया टेस्ट करके 600 801 नया, बिल्कुल नया है, तो उसमें भी जैसे होता है और ए आर्मेचर फील्ड में भी सेम टू सेम टेस्टिंग करेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो हम आपको झूठ मूठ के कुछ भी नहीं दिखा रहे, जो रियल में होता है, जो सच्चाई है वही आपको दिखाएंगे। देखिए ये 801 एंगल ग्राइंडर का फील्ड है, तो ए फील्ड नया फील्ड है, और एक फील्ड हम आपको दिखाएंगे 600 जो बस कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये 600 फील्ड कॉयल है, ये नया फील्ड कॉयल है, तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे सीरीज में, जो टेस्ट होता है, ठीक है, आपको जो सच्चाई है वो दिखाएंगे। टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा, टेस्ट से आपको उसमें शॉर्ट हुआ है वो पता चल जाएगा, और उसमें शॉर्ट ही पता चलेगा, दूसरे कुछ नहीं होगा, और उसमें स्पार्किंग होगा शॉर्ट ही होता है, दो एक चीज़ आपको पता चलेगा उसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरे कुछ भी चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। इसमें जो शॉर्ट होता है ये शॉर्ट आपको पता नहीं चलेगा, देख के तो नहीं पता चलेगा, तो आपको आर्मेचर फिटिंग करना है तभी पता चलेगा, नहीं तो आपको
कंपनी से भेजना है वो आपको बता सकते हैं कहाँ से ख़राब है। तो कंपनी का सामान ही कंपनी गारंटी में रहेगा तो तभी आपको बताएगा, नहीं तो कंपनी भी बताते नहीं है। कंपनी के पास आप उसको देखना, वो भी आर्मेचर डाल के देखेंगे, ठीक है, नया नया आर्मेचर डालेंगे, आर्मेचर फील्ड लगा के देखेंगे, ठीक है। कंपनी पास नहीं जाते हैं, मैं बहुत बार कंपनी से आर्मेचर रिटर्न किए हैं, वो खुद उसमें अपने से मशीन का आर्मेचर कभी कभार फिट करके भेज देते हैं। तो मेरे से भी ऐसे हुआ है, मैं बात भी किया है, कंपनी के पास रेयर जाता है मशीन, मानो कंपनी ने मशीन बहुत ज़्यादा आप एक महीने खरीदे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसमें ऐसे हुआ खोल ही नहीं पा रहा है, तब वो मशीन जाता है कंपनी के पास, मशीन आपको नया देगा। मैंने स्किल कंपनी का एक मशीन ऐसे ख़राब कर दिया था, एक महीने में उसका ऐसे बुरी तरह से जल गया था, आर्मेचर फील कुछ भी बाहर नहीं हो रहा था, मशीन भी खोल नहीं पा रहे थे। कंपनी ने मेरे को नया मशीन दिया था, कंपनी ने उसको टेस्टिंग भी किए, वो बोला आपका मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलाया है तभी ये मशीन में ऐसे हुआ है। मैंने बोला ऐसे ऐसे करके मैंने चलाया था, उसने बोला ये मशीन लाइट काम के लिए होता है, आपने हेवी काम किया, आपको हेवी मशीन खरीदना चाहिए। तो उसके बाद मैंने हेवी मशीन खरीदा, 2 से 3 साल मशीन चला, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो कंपनी ने बता देते हैं आपको मशीन कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, कैसे वो ख़राब हुआ है, कैसे उसको चलाना चाहिए, मशीन में कुछ भी दिक्कत होता नहीं है। तो हम चलाते गलत चलाते हैं इसलिए गलत होता है, तो हम आपको सीरीज में और भी टेस्ट कर लेते हैं जो भी टेस्ट होते हैं। देखिए इसमें कम्यूटर टू कम्यूटर टेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे दोनों आर्मेचर में होता है, इसमें शॉर्ट नहीं है, इसमें भी शॉर्ट नहीं है, जो टेस्टिंग होता है जो मैंने सीखा है, तो मैं जैसे काम करता हूँ, मेरे को देखो आपको मैं जो सीखा हुआ वही सिखाएंगे ना, उससे ज़्यादा हम आपको नहीं सिखा सकते। मैं जैसे रियल में काम करता हूँ, हमें रियल में काम करता हूँ, मेरे शॉप है, शॉप में मेरे को काम करने देना पड़ता है, तो सभी को मैं एक ही चीज़ बताएंगे, जो रियल में सच होता है आप वही सीखो, ठीक है। आपको किसी को झूठ बातों पर आके उल्टे सीधे काम मत करो, उल्टे सीधे काम करने में देखो आप तो काम करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा आपको। देखो आपने गलत कर दिया तो वो जब समझ जाएगा आपने गलत किया है, तब आपका दुकान का नाम भी ख़राब होगा, आपका भी दुकान का कस्टमर कम जाएगा, तो आपको ही पश्चाताप होगा मैंने गलत कर दिया, तो आपको गलत करना ही नहीं है। देखो मैंने फील्ड को भी अलग अलग कर लेते हैं, तो फील्ड को भी टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं, तो आप दोनों को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद सोचना आपको कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सही है नहीं, आप मेरे बात बोलने का जो तरीका है आपको क्यों बता रहे हैं, आप खुद देख के मेरे को कमेंट करके बताना, आपको जो देखा रहा है सीरीज में टेस्ट करके आपको पता चल जाता है वो सही है ना, हाँ मैं आपको जो बता रहा है वो सही है, जो सही है आप उसको सोचो, आप करके देखो, उसके बाद मेरे को बताना आपको कौन सा सही लगा। मैं जो सच्चाई है उसको हम आपको दिखाएंगे, आपको झूठ मूठ के कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप एक टेस्ट को बढ़िया से बढ़िया देख लो, हम टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं है, कुछ भी आपको देख के नहीं लगेगा, आपको शॉर्ट इतना बढ़िया से हम दिखा रहे हैं कि आपको जो आपको मन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग के सामान दिखाते हैं, आप उसमें उलझाते रहते हैं, आपको ऐसे टेस्ट करो ऐसे टेस्ट करो, ऐसे नहीं होते मेरे दोस्त, आपको सामान खरीद के लेके आना है, तो आपको टेस्ट सिर्फ आर्मेचर फील्ड शॉर्ट है वो देखना है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आर्मेचर को आपको लगा के देखना है, उसमें और एक चीज़ बता दें, मेरे पास एक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, फील्ड में कुछ भी नहीं हुआ है, मशीन बढ़िया से चल रहा था, एक दिन चलेगा उसके बाद कार्बन ख़त्म हो जाएगा, एक साइड का कार्बन ख़त्म होगा, दो साइड का नहीं, एक दिन ही चलेगा कार्बन, तो उसमें क्या दिक्कत है, उन्होंने पकड़ नहीं पाया, आर्मेचर चेंज कर दिया, फिर ऐसे हो गया, उसको डाल के छोड़ दिया, बढ़िया से मशीन चल रहा था, एक दिन चला उसके बाद एक साइड का कार्बन ख़त्म हो गया, मशीन बंद हो गया, एक साइड बिल्कुल सही है, मैंने उसको कुछ पकड़ नहीं पा रहा, उसके बाद मैंने फील्ड कॉइल चेंज कर दिया, अभी बढ़िया से चल रहा है, तो आप सोचो क्या उसमें दिक्कत है, मेरे को भी पता नहीं चला, उसका काम ख़राब हो रहा था, मैंने उसको काम आर्मेचर फील्ड दोनों अलग अलग चेंज करके देखा, उसमें बढ़िया से चल रहा है, वो भी खुश है मैं भी खुश हूँ, तो इसमें क्या उसमें ख़राब था मेरे को पता नहीं चला, तो हमको अलग अलग से टेस्ट करने से वो पता चला, तो उसको मशीन तो कुछ है नहीं, टेस्ट सीरीज में टेस्ट किया उसमें कुछ भी पता नहीं चला, तो ऐसे कभी कभार होता है, ऐसे नहीं है आपको कुछ भी सीरीज में टेस्ट कर लिया बढ़िया से उसमें आप टेस्ट करके देख सकते हो।
मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे उद्देश्य जो होता है ना, सभी को अच्छे तरह से काम, बढ़िया से बढ़िया काम सिखाने के लिए, छोटे बड़े जो गलती होता है उसको सुधार करने के लिए, बढ़िया से बढ़िया काम सीख के बढ़िया से बढ़िया काम करके दो, सभी के अच्छे होंगे।